वेलकम फ्रेंड्स, मैं देवनंदन बोल रहा हूँ। ये देखिए, मेरे पास एक सनसुई का 24 इंच का एलसीडी आया है। इसका थोड़ा ये प्रॉब्लम देखिए, ये थोड़ा वर्टिकल रोलिंग की तरफ ये हो रहा है। ये देखिए, वर्टिकल रोलिंग हो रहा है और इसका हाफ पोजीशन पूरा ब्लैंक है। इसमें दो सोर्स स्कोप लगा हुआ है। मैंने जब इसको सब वोल्टेज चेक किया तो देखा, मैंने स्केलर पीसी में ऑल वोल्टेज ओके था इसमें, लेकिन मैंने जब ये इसका साइड कॉप चेक किया है तो साइड कॉप पे सब कुछ वाइटल वोल्टेज हो गया था, लेकिन एक सिग्नल इसमें मिसिंग था, जो है क्या YDIO, ये सिग्नल इसमें मिसिंग था। मैंने इसका साइड कॉप में YDIO का जम्पर कनेक्ट कर दिया है। देखिए, इधर का एक साइड पूरा क्लियर आ गया है, लेकिन और एक साइड पूरा ब्लैंक है। इसमें दो सोर्स कॉप लगा हुआ है। इसका ये राइट साइड का सोर्स कॉप काम नहीं कर रहा है। अभी मैंने देखा इसका सोर्स कॉप में जॉइंट में थोड़ा इसमें मॉइस्चर जम गया था। तो ऐसी केस में मैक्सिमम क्या होता है, इसका सोर्स कॉप काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये शायद इसका कॉप ख़राब हो चुका है, इसलिए ये साइड काम नहीं कर रहा है। तभी मैं इसमें थोड़ा कोशिश की है इसको रिपेयर करने के लिए। मैंने इसका जो कॉप जॉइंट में मॉइस्चर डैम था, मैंने उसको पूरा थिनर से क्लीन कर दिया है और ब्लोअर से भी हिट दिया। हिट देने के बाद देखिए, ये स्क्रीन पूरा आ गया है। और यहाँ पे जो सिग्नल मिसिंग था साइड कॉप पे, ये दिखा रहा हूँ, देखिए ये YDIO का पॉइंट है, ये सिग्नल इसमें मिसिंग था, इसलिए इसका वर्टिकल रोलिंग हो रहा था। इसका ऑल VGH, VGL, VCOM ऑल वोल्टेज ओके था, सिर्फ ये YDIO का सिग्नल मिसिंग था। वो मैंने पहले जम्पर कर दिया तो एक धर का पिक्चर सही हो गया था, उसके बाद क्लीन करने से मेरा पिक्चर पूरा ओके हो गया है।